जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन और गंगा दशहरा पर्व के उपलक्ष में भजन संध्या का किया गया आयोजन। जल स्रोतों को संरक्षित करने और उनकी साफ सफाई रखने को लेकर जनता को किया जागरूक। जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन और गंगा दशहरा पर्व के मौके पर नगर परिषद खनियादाना के द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजनों के माध्यम से जल स्रोतों की साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जल स्रोतों की साफ सफाई एवं संरक्षण के लिए एक अभियान 5 जून से 16 जून तक जल गंगा समर्थन अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें जल स्रोतों को संरक्षित करने और साफ सफाई रखने के लिए चलाए जा रहे इस जल गंगा समर्थन अभियान कार्यक्रम को पूरे मध्य प्रदेश में 16 जून की शाम को LED TV पर दिखाया गया। इसके बाद खनियादाना नगर परिषद के द्वारा नरसिंह तालाब पर भजन संध्या का कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। जल गंगा समर्थन अभियान के समापन पर यह कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें आज के कार्यक्रम में नगर परिषद CMO संतोष सोनी, अध्यक्ष छाया साहू सहित पार्षद गढ़वा नगर के पत्रकारों सहित सैकड़ों की संख्या में जनता उपस्थित रही और जल स्रोतों साफ सफाई और संरक्षण के प्रति जागरूक किया। खनियादाना से शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। नगर परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कार्यक्रम? जल गंगा संवर्धन अभियान आज पूर्ण होने वाला है। आज 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक कार्यक्रम चालू शासन की योजना के तहत चल रहा था। आज लास्ट दिन तालाब के किनारे, जहाँ जीरोधा वगैरह तालाब के किनारे गंगा दशहरे पर माने भजन संध्या का प्रोग्राम रखा गया है। इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को देना चाहते हैं कि अपने जल स्रोतों को फालतू बर्बाद ना करें, पानी को बर्बाद ना करें, पानी की महत्ता को समझें। जल एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, जल को फालतू बर्बाद ना करें, उसको संरक्षण करें।